Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So, in this video, I will tell you some important long questions of Park Study 10th class. अब इसमें से मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाजमी तौर पर याद करके जाने चाहिए ठीक है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो आपके पाक सड़े के चारों चैप्टर्स में से फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है अब उसमें से मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगी बाकी आप अपनी पेरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जोन से आपको चैप्टर्स आसान लगे या पेरिंग के हिसाब पेरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको जोन से ज़्यादा सूटेबल लगें याद करने में वो आप ईजिली जो है उन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन याद कर जा सकते हैं ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पार्क स्टडी चैप्टर नंबर uh, जो आपका फर्स्ट वाला चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर है जो इसकी हम बात करते हैं कि इसमें से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं ठीक है ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है जुल्फिकार अली भुट्टो का दौरेकूमत नाइनटीन सेवनटी वन टू 1977 ये इस तरह से एज इट इज़ क्वेश्चन भी आ सकता है या इसके अलावा इसके में ये पूछा जा सकता है कि अली भुट्टो के दौर हुकूमत में सन्नती असलाहत जो हुई थी या तलीमी ता, असलाहत या ज़रअी असलाहत यानी किसी भी तरह की वो असलाहत आपसे पूछे पूछ सकते हैं लोल्फ़ार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में हुई ठीक हु, है तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाता है बेनजीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत ठीक है इसमें इसके दो दौरे हुकूमत हैं फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी बट इन दोनों में से जो अगर हम इंपॉर्टेंट देखें तो जो बेनजीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत है दिस इज़ इम्पॉटेंट उसके बाद अगर हम थर्ड इंपॉर्टेंट लॉन्ग की बात करें तो मोहम्मद नवाज शरीफ का जो पहला दौरे हुकूमत है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और उसके बाद इनका तीसरा दौर दो, हकूमत ठीक है यानी इनके तीन दौर हकूमत आपकी बुक में गिवन है जो पहला दौरेकूमत है मोहम्मद नवाज शरीफ का वो और उसके बाद तीसरा दौर हकूमत दीज टू क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जनरल परवेज़ मुशरफ़ का दौरे हुकूमत है टू थाउजेंड एट सॉरी नाइनटीन नाइनटी नाइन टू टू थाउजेंड एट वाला जो है ये आपने लाजमी करना ठीक है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इसमें से भी आपको एज इट इज़ इसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके दौरे हुकूमत में होने वाली सन्नति असलाहत लिखें या ज़रअी सलाहत लिखें कोई सी वो दो तीन असलाहत पूछ सकते हैं या फिर एज इट इज़ क्वेश्चन दे सकते हैं कि आप इनका दौरे हुकूमत लिखें ठीक है फिर आपने ब्रीफली जो है वो आपने सारी सलाह लिख के उसको एक्सप्लेन करना है उसके बाद अगर हम बात करें सैद सॉरी यूसफ रजा गिलानी का दौर हुकूमत दिस इज़ आल्सो द इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पाकिस्तान के आम इतब जो 2018 है इसमें आपको ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और इससे भी ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि इमरान खान के दौर में होने वाली सन्नती ज़रिया तलीमी असलाहत के बारे में लिखें ठीक है तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉटेंट है सो so, ये तो इस चैप्टर के जो दोरे हुकूमत थे उसमें से मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दस्तूर पाकिस्तान 1973 दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट ठीक है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने इस चैप्टर में से आ, अगर आप याद करें तो आई सजेस्ट कि आप सबसे पहले ये वाला सवाल याद करें बहुत अच्छे तरीके से ठीक है आगे अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर सिक्स की ठीक है चैप्टर नंबर सिक्स इज़ अबाउट द पाकिस्तान इन वर्ल्ड अफेयर्स पाकिस्तान और आर्मी अमू ठीक है इसमें जो आपके मेजोरिटी ताल्लुक बताए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ठीक है वो वो जो ताल्लुक है ना लाइक पा, पाकिस्तान का ईरान के साथ ताल्लुक़ फ़लस्तिन के साथ सऊदिया के साथ यूरोपीय यून दीज ऑल जो आपके पास ताल्लुक है ना ये इंपॉर्टेंट है ठीक है इनमें से कोई भी जो है वो एक आधा पूछा जा सकता है आपसे तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है ठीक है उसके बाद ये जो हमारे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद हैं दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और अगर हम मैंने आपको बताया कि तल्लु में से वो किसी भी कंट्री के साथ आपसे पूछ सकते हैं ताल्लुक में से ठीक है तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम डिफरेंट कंट्रीज की बात करते हैं तो इसमें कौन से ताल्लुक जो है इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पाक भारत तालुक है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ठीक है उसके बाद हमारे पास जो पाकिस्तान और ईरान का ताल्लुक है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद है ये चीन के साथ पाकिस्तान के तल्का दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें कि इस चैप्टर में से कौन सा ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है अच्छा ये है ये वाला जो क्वेश्चन है ना पाकिस्तान के ईरान के साथ तल्लत ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा पीछे भी ईरान का लिखा हुआ है यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो आपने इसको ज़रा देख लेना है कि पाकिस्तान और ईरान के जो तल्लत हैं वो आप किस तरह से ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं उस टॉपिक और इस टॉपिक में से मिक्स करके ठीक है पाकिस्तान के फ़लस्तियों के साथ तल्ल ये भी इम्पोर्टेंट है उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट के कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा ये जो पाकिस्तान और श्रीलंका का आपस में ताल्लत हैं ये भी इम्पोर्टेंट है उसके बाद यूरोपी यूनियन वाला जो पॉइंट है ये भी इम्पॉटेंट है उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो दुनिया में क़्याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ़ चैप्टर नंबर सिक्स अच्छा एक इसमें एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है चीन ने पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में क्या करदार अदा किया है बयान करें दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर सेवन की पाकिस्तान की माशी तरक्की ठीक है अब इसमें से हम देखते हैं कि ऐसे कौन से इम्पॉटेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपको लाजमी तौर पर करके जाने चाहिए पाकिस्तान की धाती और गैर धाती गैर धाती मदनियात के माशी अहमियत और तकसीम ठीक है तो ये आपने लाजमी तौर पर यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है पाकिस्तान के अहम धाती और गैर धाती मदनियात के वसायल जो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए ठीक है दिस लॉन्ग क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है पाकिस्तान के आप भी ज़रा और आप आबपाशी का मौजूदा निज़ाम ठीक है ये आपने लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करके जाना है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ठीक है ये आपने इसमें सारे पॉइंट्स लिखने हैं बारिश वाला अनहार वाला ठीक है उसके बाद हमारे पास दो पॉइंट्स मज़ीद हैं ट्यूबवेल वाला और कारेज़ वाला ठीक है तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए इसके अलावा ये जो महदा सिंतास है ये वाला जो आ, क्वेश्चन है ये अलग से क्वेश्चन ठीक है ये मैं इसके साथ नहीं बता रही ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो बस करें इस तक है ठीक है ये अलग से क्वेश्चन है महदा सिंतास वाला ये भी कर लीजिएगा नॉट मच इम्पॉटेंट बट आप कर लीजिएगा ठीक है उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है पाकिस्तान की अहम फसलें ठीक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में तोनाई के मुख्तलिफ वसाइल की इकसाम लिखें और साथ में आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमें यह बता दें कि बिजली का मसला हल करने की क्या तजावीज़ हैं ठीक है तो ये जो बिजली का मसला हल करने के लिए तजावीज़ हैं दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अच्छा अब ये जो पाकिस्तान में तोानाई के मुख्य वसाइल की, की अहमियत पैदावारों खत्त है ना इसमें से जो बिजली वाला पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसमें से आपने मतलब मैंने ये सवाल इस तरह से मतलब बन के आ सकता है कि पाकिस्तान में तोानाई के मुख्य वसाइल की इकसाम मतलब पाकिस्तान में तोानाई के मुख्य वसाइल की इकसाम लिखें ठीक है उसमें आप फिर जो वसाइल है तो चार इकसाम हैं बिजली गैस मादनी तेल और कोयला और फिर इस इतना लिखने के बाद फिर वो अगर आगे से मैंने पूछा है कि बिजली के मसाइल की हल तजवीज़ करने लिखें तो उसके बाद फिर आप ये लिखेंगे ठीक है तो उसके बाद मतलब ज़ाहिर है कोई एक आधा पॉइंट ही बीच में से देंगे वो लाइक पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अच्छा उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है पाकिस्तान की बंदरगाहों और खुशगोदियों की अहमियत दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बाकी जो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन किस मतलब बन के आ सकते हैं यही पाकिस्तान की अहमादनियात कौन कौन सी हैं वही जो अभी मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन लगवाया पाकिस्तान की मादनियात जो है हमारे पास धाती और गैर ग्या, गैर धाती ठीक है उसके बाद जो अगला वाला हमारे पास है मुल्की ज़रात को दरपेश मसाइल और इनके हल पर बहस करें दिस इज़ आल्सो इंपॉटेंट लॉन्ग क्वेश्चन ठीक है तो एक्सरसाइज में आपका ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला लॉन्ग क्वेश्चन हो गया बाकी मैंने चैप्टर के आपको चैप्टर में से बता दिए हैं नेक्स्ट वी विल मूव द चैप्टर नंबर एट विच इज़ अबाउट आबादी एंड पाकिस्तान की सकाफत इसमें से जो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास पाकिस्तानी मुआरे और सकाफत की नुमाया खूसियात दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ठीक है साइलेंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर बाद ये आ जाती है हमारे पास कौमी और इलाकई ज़ुबानें ठीक है, है इन जुबानों में से आपने कौन कौन सी करनी है एक तो आप कर लें उर्दू ज़ुबान ठीक है उसके बाद पंजाबी जुबान नेक्स्ट आपने करना है सिंधी ज़ुबान ठीक है ये तीनों जुबानें आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है उसके बाद अगर हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कौमी तमीर में अखिलियतों का किरदार और कारनामे दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए बाकी मैंने आपको चैप्टर में से बता दिए लॉन्ग क्वेश्चन और ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने चैप्टर में से नहीं बताया एक्सरसाइज में मौजूद हैं तो मैं यहीं से बता देती हूँ आपको एक पहला सवाल है पाकिस्तान में शोबा तालीम के दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ दें दिस इज़ इम्पॉटेंट उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थ्री है पाकिस्तानी माशरे की अहम खसूसियात भी आन करें एंड देन द क्वेश्चन नंबर सेवन इज़ पाकिस्तान में शबा सेहत किन मसाइल का शिकार है और इनका हल बयान करें ठीक है दीज थ्री क्वेश्चन ऑफ़ द एक्सरसाइज आर इंपॉर्टेंट उसके अलावा कुछ एक्सरसाइज अगर है भी लेकिन मैं उनको अगर चैप्टर में बता चुकी हूँ तो वो फिर मैंने यहाँ पर मार्क नहीं किए तो आपने अच्छे तरीके से ये uh, याद करके जाने ठीक है दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ पाक स्टडी क्लास टेन बाकी uh, जो है बेस्ट ऑफ विशीज़ टू ऑल ऑफ़ द स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं होप सो यू लाइक द वीडियो इफ़ यू टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस दैन सब्सक्राइब माई चैनल अल्लाह हाफिज़